बिग बॉस का फर्स्ट रनर अप बनने के बाद आसिफ रियाज की जिंदगी में क्या आए हैं बदलाव और कैसे कर रहे हैं वो स्टारडम से डील, मैं हिना कुमावत आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आसिफ रियाज जो है घर से बाहर निकलने के बाद लगातार अपने काम में बिजी हो गए। हालांकि उन्होंने एक दो मीडिया इंटरव्यू जरूर किए, लेकिन उसके बाद जो है वो हम देख रहे हैं कि लगातार अपना काम कर रहे हैं, फोटोशूट कर रहे हैं, अपना म्यूजिक एल्बम शूट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी में हैं। ऐसे में उनके भाई ने, उमर रियाज ने, जो कि बड़े भाई हैं, जो जब वो घर के अंदर थे आसिम, तो भी वो बाहर से सपोर्ट कर रहे थे और बाहर निकलने के बाद भी जो है उमर उन्हें बहुत सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल पर जो है इंटरव्यू दिया था कुछ दिनों पहले, और वहाँ पर जब उनसे पूछा गया था कि आसिम जो है कैसी बदल गई है उनकी लाइफ, क्या फ़र्क पड़ा है, तब उन्होंने ये बताया था कि आसिम जो है घर का सबसे छोटा है, उस नाते वो सबसे नॉटी भी है, लेकिन उसको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब जो है वो वाला आसिम नहीं रहा जो पहले था। वो बिना बिंदास अभी भी उसका बस चले तो सड़कों पर चला जाता है। और साथ ही उन्होंने एक इंसिडेंट शेयर किया कि कुछ दिन पहले वो बैंक गए थे और वहाँ पर जो है बैंक के अंदर गए और बाहर आने में उसे इतना समय लग गया क्योंकि फैंस वहाँ पर इकट्ठा हो गए उनके साथ सेल्फी खींचने के लिए, उसके साथ जो है उसको घेर लिया। तो उमर कहते हैं कि मैं उसे बार बार समझाता हूँ कि अब इतनी छोटी चीज़ों के लिए तुम बार बार मत जाया करो। वो कहते हैं कि हम कहीं जा रहे होते हैं, कुछ सामान लेने जाना होता है, तो आसिम बोलते हैं मैं जाकर लेकर आता हूँ। तो मैं उससे बोलता हूँ कि बाबा तू गाड़ी में ही बैठा रहे, तू एक बार गाड़ी से बाहर उतरा तो तुझे आने में इतना समय लग जाएगा कि मैं इंतज़ार करता रह जाऊँगा। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी बातें उन्होंने की उसका जस्ट ये था कि आसिम जो है अब वो पहले जैसा नहीं रहा। हालांकि वो कहते हैं कि वो पूरा दिन घर पे नहीं बैठ सकता, उसकी हैबिट में है कि वो ड्राइव पर चला जाए, बाहर घूमे, और उसका मन करे तो वो हमेशा बाहर रहे। लेकिन उससे जो है ये सारी चीज़ें अभी समझ में नहीं आ रही हैं कि उसको देखकर जो है लोग उसके फैंस बन चुके हैं, उसको सेल्फी लेने के लिए उसके पास आ जाते हैं, उसको घेर लेते हैं, उसे ये सब पसंद ज़रूर आता है। लेकिन इन सारी चीज़ों में जैसे कि उन्होंने जिक्र किया कि वो बैंक में गए थे छोटे काम के लिए कि उनको आते आते समय लग गया क्योंकि वहाँ इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो उमर जो है वो पूरी तरह से जिस तरह से आसिम का लाइफस्टाइल चेंज हुआ है उसके बारे में बात करते हुए नजर आए। साथ ही जब उनसे एग्रेशन के बारे में पूछा गया तो उमर ने ये बात ज़रूर मानी कि आसिम रियाज वाकई में एग्रेसिव है और ये एग्रेशन उनमें बचपन से है। अगर उनको जब बोला गया कि आप रेट करेंगे तो उन्होंने बोला अगर एग्रेशन में मैं 10 में से 6 हूँ तो एग्रेशन में आसिम 10 में से 8 है। तो कहीं ना कहीं बिग बॉस से आने के बाद जो है जिस तरह का स्टारडम हमने देखा कि वो सूरत चले गए थे, कैसे फैंस उनके लिए क्रेजी हो गए थे, एक फ़ैन ने तो बाइक में उनका पीछा तक किया था, और इस तरह से जो है वो जहाँ पर भी जा रहे हैं फैंस उनको लेके क्रेजी होते जा रहे हैं। उनको ही नहीं, उनके फैंस की वजह से हिमांशी को भी जो है बहुत ज़्यादा जो है लोग घेर लेते हैं, उनके लिए अपना प्यार दिखा रहे हैं। तो ये बदली हुई जो उनकी लाइफस्टाइल है उसके बारे में उमर ने बहुत ही अच्छे से बात की और कहा कि अभी तक आसिम को ये समझ नहीं आ पाया है कि वो इतने बड़े स्टार हो गए हैं, स्टार मतलब इतने सफल हो गए हैं और लोग जो है उनके फैंस हैं उनको देखने के लिए बेताब रहते हैं। उनका ये कहना है कि अभी भी आसिम जो है वैसे ही नॉर्मल है, उसी तरह से सड़कों पर चले जाते हैं, गाड़ी में वो तो उतर के चिप्स लेने चले जाते हैं, बैंक चले जाते हैं, तो उनकी लाइफस्टाइल में कोई बदलाव नहीं आया है। हालांकि जब भी वो जाते हैं तो फैंस जो है उनको सेल्फी और इसके लिए घेर लेते हैं जो आसिम को पसंद ज़रूर है, लेकिन इन सब में जो है उनको जो है थोड़ी तकलीफ होती है और थोड़ा उनका समय लग जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातों का जिक्र उमर ने किया है कि आसिम की लाइफस्टाइल कैसी हो गई है बिग बॉस के बाद। तो आपको क्या लगता है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन कमेंट से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।